हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन आज शुक्रवार का तारीख है 8 जुलाई और सुबह के बज गए हैं 5:30। और आज मैं उठने में लेट हो गई, उसका कारण क्या है, कल जो है दोपहर तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, 5:30 बजे तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक गर्मी लगने की वजह से जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और इतनी ज़बरदस्त जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, वो आधे सिर में जो है वो मेरे दर्द हो गया था जी। पूरे सिर के दर्द का इलाज है, लेकिन आधे के सिर के दर्द का ना कोई भी इलाज है नहीं है। मैंने रात को कुछ भी नहीं किया था, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं रोटी बनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने घिया मैंने काटी, लेकिन वापस काट कूट के उसको वापस फ्रिज में रख दिया। हिमांग के पापा बोले कि रहने दो, अभी मैं आऊँगा तब कुछ जो है वो मिल के कर लेंगे। तो सुबह की थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी हुई थी, फिर दही थी, हम लोगों ने उसके साथ सलाद वलाद काट के और मेसी मैंने रोटी बना दी। और फिर मैंने सब कुछ ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरा मन था कि मैं सो जाऊं लाइट बंद करके। लाइट भी जो है वो आँखों में चुभ रही थी, ये वाली जो मेरी हालत हो गई थी। और सुबह भी ऐसे ही उठते सुबह भी मन नहीं हो रहा था उठने का, सच कहूँ तो। आज पता नहीं, अभी भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, सिर में ना हल्का हल्का जो है अभी भी मेरे सिर में दर्द है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। गर्मी की वजह से जो हर किसी की हालत ख़राब हो रही है। हिमांग भी जो है गर्मी की वजह से उसको बुखार हो गया था। तो जी बस अभी जो है मैं फटाफट से, मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दी आप जो है इतना सारा काम करती हैं तो आप कैसे मैनेज करती हैं, बीमार होने के बाद भी इतना सब कुछ करते हैं। तो जी आज ये एग्जांपल आप देख लो कि आज मैं, आप ये मान लो मेरी कल तबीयत ख़राब थी ना, तो सुबह किचन में बर्तन देख लो आप कितने सारे रखे हुए हैं सिंक में, सारे बर्तन मुझे कल रात को साफ़ करने थे लेकिन नहीं कर पाई। किचन मेरी फैली पड़ी है, मैंने रात को मैं कैंपर भर के रखती हूँ, वो मैंने कैंपर भर के नहीं रखा था, क्योंकि वही होता है एक औरत बीमार होती है ना, तब बस यूँ मान लो कि सब उसके मुंह की तरफ ही देखते हैं, उठ के खाना कब बनाएगी, सबसे पहले तो उठ के हमें ये कब करके देगी। अब ये देख लो जब वो औरत बीमार है तो उसके पीछे से करने वाला कोई नहीं है, खासकर मेरे यहाँ तो करने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने जो है सोचा कि छोड़ देती हूँ, मैं कल सुबह करूँगी जो कुछ भी होगा, काम दिन रात ऐसे ही चलता रहता भाई, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सो गई और सुबह भी मैं जो है 5:30 उठी, और 5:30 उठने से मैंने जो है बहुत ही आसानी से जो अपने सारे काम कर लिए, कोई भाग दौड़ नहीं हुई, क्योंकि वरुण का स्कूल जो है बस सुबह 7:15 बजे आती है, तो फिर 6 बजे मैंने वरुण को उठा दिया था। और उसके बाद साथ में जब तक मेरा सब्जी का, तो ये था कि रात को मैंने घिया काट के रखी थी ना, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी ढककर, तब तक जो तेल गर्म होगा ना, जब तक मैंने ये दूध वगैरह का काम निपटा लिया, क्योंकि दूध का पतीला भी खाली नहीं किया था। और बस यही होता है जब बीमार होते हो ना, तो आइडिया नहीं होता कौन से क्या काम करना, सुबह सुबह उठते ही फिर जो है बहुत सारा जो है काम फैल जाता है। अच्छा जी, कल ना कमेंट आ रहे थे, दी आपकी वॉशिंग मशीन कैसे टूट गई। भाई वॉशिंग मशीन का ऐसा है कि यहाँ पड़ोस में ना घर बन रहा है, आप लोगों को पता है, तो यहाँ से उन लोगों ने बिजली ले रखी है, और वो जब इनके यहाँ पे ना वो होता है ना पिलर वगैरह देते हैं, तो उस टाइम पे वो लोहे की मशीन जो होती है ना, उससे वो लोग काट रहे थे सारे के लोहे के जो वो होते हैं ना, वो काट रहे थे। और वो मशीन हैवी थी, जिससे ना लाइट बार 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 जो झिम 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 कर रही थी, और मैं कपड़े धो रही थी, मशीन लगा रखी थी मैंने, और उसकी वजह से ना कभी जो है मशीन ज़्यादा चल रही थी तेज एकदम, कभी जो एकदम धीरे चल रही थी, ऐसा वाला सिस्टम हो गया था। फिर जो सुखाने वाली मशीन में जब मैंने कपड़े डाले ना, एकदम बड़ 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 करके सारा ऊपर वाला टूट गया, बिल्कुल साइड वाला हिस्सा जो वो टूट गया, मतलब सारी वॉशिंग मशीन जो है वो मेरी टूट चुकी है अभी, लेकिन फिर भी यह थोड़ा बहुत काम चलाऊ जो जैसी भी बची है ना, ती मैं उसे अभी काम चलाऊंगी 1-2 महीना, उसके बाद ही जो कुछ मैं वॉशिंग मशीन या नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि हमने घर के लिए जो भी शॉपिंग करनी है वो अगले महीने ही करनी है, मतलब इस महीने के लास्ट में करेंगे या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में करेंगे, जो कुछ भी शॉपिंग हमें करनी है। और फिर जो है अच्छा कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि दी आपकी किचन में जो है वो कितना खर्चा आया बनाने में, ट्रॉली वगैरह और ये लकड़ी का जो काम हुआ है, तो टोटल जी 1,00,000 रुपये का जो है वो खर्चा आया है, और ये खर्चा जो है 1 साल पहले का है, तो उसके बाद तो चीज़ों के दाम भी जो है वो बढ़ चुके हैं। अच्छा सामने आप ये जो टाइल्स पर डिज़ाइन देख रहे हैं ना, तो कमेंट आया था ये वॉलपेपर है क्या, जी नहीं ये वॉलपेपर नहीं है, ये टाइल्स है, टाइल्स का डिज़ाइन ही जो है ऐसा बहुत ही शानदार और रॉयल लुक वाला जो है वो डिज़ाइन है। अच्छा एक चीज़ और भी था कि
हिमांक को लेकर ना कमेंट आ रहे थे कि हिमांक को ना गर्मी लगी है। भाई हाँ, मुझे पता है कि हिमांक को ना गर्मी लगी है और ज़बरदस्त वाली लगी है, क्योंकि बच्चा इतने दिनों के बाद स्कूल गया था और वो ना तो फ्रूट खा गया, सिर्फ पराठा खाया उसने, ना उसने सब्जी खाई, और उसको वहाँ वापस आना तभी से जो उसको बुखार था, उसके बाद उसको बुखार जो है करीबन जो है 24 घंटे में तो उसको ना लगातार तपता रहा, तब जाके कहीं उसको थोड़ा बहुत आराम हुआ था। और मेरा भी फिर जो है कल जैसे ही मांग ठीक हुआ, मेरा गर्मी चढ़ गई सर में, गर्मी में इतना ज़बरदस्त सिर में दर्द शुरू हो गया ना आधे सिर में, दवाई लेने के बाद भी ना कोई आराम नहीं हुआ। बस ये था, लाइट बंद करके, कोई रोशनी नहीं चाहिए, लाइट बंद करके जो है वो लेट जाओ। अच्छा, ये वाली चीज़ है ना आधे सिर में दर्द, जब मेरे को ना 2-3 बार पहले भी हो चुका है, अगर कोई देसी नुस्खा या कोई चीज़ आप लोगों की में से किसी को कुछ भी पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए उस टाइम पर मैं क्या करूँ। क्योंकि उस टाइम पर ना जब मेरे आधे सिर में दर्द होता है, मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है भाई, किसी की आवाज़ नहीं सुहाती है, लाइट की रोशनी नहीं सुहाती है बिल्कुल भी, मतलब मेरे आसपास जो है मैं शांति होनी चाहिए और मेरे कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, मेरी हालत ऐसी हो जाती है। तो अगर किसी के पास कोई नुस्खा है, कोई दवाई है, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कभी कभी ये ना ज़बरदस्त दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी जो हिमांक को भी सोकर उठा दिया था, क्योंकि हिमांक की गाड़ी जो है वो, हिमांक अभी ठीक है बिल्कुल भी, बहुत बिल्कुल ठीक है मतलब, और हिमांक की गाड़ी जो है सुबह करीबन 7:30 या 8:15 बजे तक आ जाती है, तो हिमांक को हमने साथ साथ में ही जो उठा दिया था 6:15 बजे। ये था, फ्रेशन अप वगैरह होगा ना, क्योंकि बच्चा इतने टाइम के बाद स्कूल जा रहा है, एटलीस्ट फ्रेश होके जो है वो जाए। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ बनाना शेक बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए, क्योंकि दोनों का लंच मैंने रेडी कर दिया, साथ साथ में हिमांक के पापा भी अभी निकलेंगे और वरुण भी रेडी हो गया स्कूल के लिए, दोनों एक साथ निकलेंगे और मैं छोड़ने नहीं जाऊंगी, हिमांक के पापा हैं जो वो छोड़ने के लिए जाएंगे बस स्टॉप पे, भागकर एक बार बाइक पे जो वो छोड़ आएंगे, आके वो अपना लंच वगैरह लेके जाएंगे और जूस पी के जाएंगे, खाना खाकर नहीं जाएंगे। लंच उनका मैं अभी जो है वो साथ साथ में पैक करूँगी, क्योंकि वरुण का मैंने पैक कर दिया है, लंच उनका बना के रख दिया था, और उसके बाद वरुण को भेजने के बाद हिमांक के पापा चले गए और फिर जो है वरुण भी, हिमांक भी जो स्कूल चला गया। अपना नाश्ता वगैरह बना के मैंने खाया नहीं था, नाश्ता बना के अभी मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े, सिर्फ एक जोड़ी करूँगी क्योंकि मुझे ज़बरदस्त गर्मी लग रही थी, मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद खाना वगैरह खाऊँगी और उसके बाद जो है वो बाकी के काम जो मैं अपने घर के करूँगी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गर्मी लग रही थी, एटलीस्ट जो है शरीर पे ठंडा पानी पड़ेगा तो कम से कम थोड़ी बहुत तो गर्मी जो है वो दूर होगी, इसलिए मैंने सोचा सारे काम भाड़ में जाए, छोड़ दे सारे काम, सबसे पहले नहाने का काम जो है वो करती हूँ। कभी कभी ना अपने लिए खुद भी ना सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ना सिर में फिर भी जो है वो दर्द हो रहा था हल्का हल्का, मैं कहीं ऐसे ठीक नहीं होगा, भाई नहा धो लेते अच्छे से, और गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो गई, भाई अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी हो गई है भाई, एसी पंखा के नीचे, मतलब डॉक्टर्स के यहाँ पैसे देने से अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए ना आप एसी चला लो बच्चों के ऊपर, अपने लिए भी एसी चला ले भाई। और बस यहाँ पे कंघी वगैरह करूँगी अपना, बात बाकी के जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताना चाहूँगी एवरटीन की बिकनी हेयर लाइन रिमूवर क्रीम के बारे में, क्योंकि ये क्रीम जो है स्पेशल डिज़ाइन करी गई है बिकनी लाइंस के हेयर्स को रिमूव करने के लिए। हमारा जो इंटीमेट एरिया का पार्ट होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उस पर हम कोई भी ऐसी वैसी क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी रेज़र जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिना जाने पहचाने अगर आप बिना टेस्ट करे कोई भी चीज़ जो है इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, स्किन में इन्फेक्शन वगैरह जो होने का डर रहता है। रेज़र अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ना रेज़र से क्या होता है, कट लगने का डर होता है, खुजली हो जाती है, रैशेज होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फर्टिलिटी इन्फेक्शन हो जाता है, और भी बहुत सारे जो है वो साइड इफेक्ट जो वो हो जाते हैं। अच्छा, इसके दो फायदे हैं स्पेशल, एक तो बिकनी लाइंस के हेयर्स को आप रिमूव कर सकते हैं, सेकेंड आप अंडर आर्म्स के हेयर्स को भी जो इसमें रिमूव कर सकते हैं। इसके तीन वेरियंट्स हैं स्पेशल, सबसे पहले आता है ये इसके रेडियंस जो इसके अंदर चारकोल है, कोजिक एसिड है, वाइटामिन सी है, और सेकंड जो है और थर्ड जो है ये है सिल्की। ये तीन वेरिएंट है इसके अंदर, जो कि तीन वेरिएंट्स में जो बनाई गई है। फर्स्ट चीज़ है रेडियंस, इसके अंदर चारकोल है, देन कोजिक एसिड है, देन इसके अंदर जो है विटामिन सी है, जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन में जो है वो ग्लो लेकर आता है। देन सिल्की आती है, इसके अंदर कांड बेरियन कुकुम्बर के एब्स्ट्रैक्ट हैं, अनवांटेड हेयर होते हैं, अनइवन स्किन हो जाती है,
और जो हार्श स्मेल आती है उसको जो है वो रिमूव करते हैं, स्किन में जो डार्कन हो जाती है, क्योंकि क्या होता है आप बिना जाने पहचाने कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे क्या होता है आपकी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, तो उसको भी जो है स्किन की ब्लैकनेस को भी हल्का करने के लिए ये वाली क्रीम जो है वो डिज़ाइन करी गई, ये वाला वेरिएंट जो है वो डिज़ाइन करा गया है। सिल्की है ये वाला, कॉर्नबेरी कुकुम्बर के एब्स्ट्रैक्ट हैं जिसके अंदर है कैमेनाइल एब्स्ट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को सॉफ्टर और स्मूदर बनाता है और रिमूव करता है इरिटेशन को, रिमूव करता है इचिनेस को, रिमूव करता है बर्निंग सेंसेशन को भी है ये रिमूव करता है। तो जी ये तीनों के तीनों जो वेरिएंट है जो स्पेशल डिज़ाइन करे गए हैं बिकनी हेयरलाइंस को रिमूव करने के लिए, और इसके अंदर क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तीनों के तीनों पैक जो है, ये तीनों पैक है, तीनों पैक्स जो है 50 ग्राम्स के हैं, ईच पैक में जो है 50 ग्राम की जो है वो क्रीम आती है। और सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो है ये 50 ग्राम की आपकी क्रीम मिल जाती है, दो टिश्यू मिल जाते हैं, देन उसके बाद जो आपको एक स्पैचुला मिल जाता है, ये रहे दो टिश्यू जो आपको मिल जाते हैं, एक दो दो टिश्यू मिल जाते हैं, एक स्पैचुला मिल जाता है और एक जो है इंस्ट्रक्शन की ये पूरा एक पेज होता है, ये स्पैचुला एक इंस्ट्रक्शन का पूरा पेज होता है जिस पर लिखा होता है, अगर किसी को पता नहीं होता ये चीज क्रीम जो है कैसे इस्तेमाल करनी है तो वो इस पर सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई होती हैं। और वीडियो में आपको बिकनी एरिया पर इस्तेमाल करने से पहले, अपने इंटीमेट एरियाज पर इस्तेमाल करने से पहले एक पेस्ट टेस्ट जरूर कर ले, अपने हैंड पर कर ले या अपने लेग पर कर ले, मैं भी आपको एक पेस्ट टेस्ट करके दिखाऊंगी। और जो है एवर्टीन एक ही जो इंडियन ब्रांड है और हम इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं और इसमें जो है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन को किसी तरह का कोई हार्श नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करते हैं, कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं करते हैं। तो अपने इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करें और जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये क्रीम मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कैसे क्या यूज़ करना है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो जब ये मैं अपने हाथ पर एक पैच टेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ, सबसे पहले आपको क्रीम को अपने हाथ पर लगा लेना है और लगा के इसको हाथ से फैला के कम 5 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देना है, इसको अच्छे से फैला ले जहाँ पर आपके हेयर्स हैं और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दे और 5 मिनट के बाद इसको स्पैचुला से रिमूव कर लें। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर जलन वगैरह हो रही है या कोई कुछ महसूस हो रहा है तो इसको ना तुरंत रिमूव कर दें, अगर वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद ये टिश्यू आपके पास है इसको पानी में डाल दे, कॉइन जैसा ये और टिश्यू जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में इसको ना स्पैचुला से, देखिए टिश्यू बन गया है, इसको स्पैचुला से रिमूव कर देंगे और टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ऐसे ही आपको अपने बिकनी वैक्स पे भी अप्लाई करना है और आपके सारे हेयर्स जो है अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो जी मैं भरोसा करती हूँ ये एवरटीन की बिकनी हेयरलाइन रिमूवर क्रीम के ऊपर जो कि 100% सेफ है।